आदि पुरुष के टीजर रिलीज होने के बाद पब्लिक से उसको बहुत सारा बैकलैश मिला। इस फिल्म में बदलाव करने के लिए तैयार हैं क्योंकि जो जनता का बैकलैश आया है। और उसके इमीडिएटली बाद जो डायरेक्टर थे ओम राउत, उन्होंने 8 महीने का एक्सटेंडेड टाइम मांगा। तो जो जो लोग बोल रहे हैं हम उनका सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ नोट कर रहा हूं, एंड जब आप फिल्म देखोगे तो मैं किसी को निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। और 8 महीने के बाद उन्होंने मूवी रिलीज की, और अब जबकि मूवी रिलीज हो चुकी है हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या चेंजेस किए। पहले सीन में झरने का साइज बड़ा कर दिया है, बाकी पूरा सीन सेम लग रहा है। इस सीन में सबसे पहले तो एक्वेटिक लाइफ है वो चेंज कर दिया है, हरी गोभी के बदले ये डंडी नुमा पेड़ है, आगे जो पेड़ थे उनके बदले कुछ भी नहीं। एंड मेनली लाइटिंग, टीजर की लाइटिंग ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है मूवी के मुकाबले फ्रंट से, लेकिन मूवी का सीन ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि ज्यादा मछलियां हैं, हेयर सिमुलेशन भी ज्यादा बेटर है, सामने से दोनों की लाइटिंग भी सेम ही है। टीजर में पहाड़ एक कटआउट जैसा लग रहा था, वही मूवी में थोड़ा रियलिस्टिक पहाड़ और पेड़ डाले गए। स्काई सिमिलर है बट चेंजेस पे है, हैरी पॉटर वाले तब पिशाच की मूवमेंट पैटर्न, एनिमेशन और डिजाइन सारा ही चेंज कर दिया है। ओवरऑल दोनों ही बेकार लग रहे हैं, दे कुडंट मेक इट राइट। टीजर में इस शॉट में प्रभास के फर्जी एब्स हैं बट मूवी में थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, दम पिशाच की संख्या बढ़ा दी गई है एंड दैट्स दैट। इस शॉट में पूरा एनिमेशन, कैरेक्टर डिजाइन सब कुछ ही चेंज कर दिया है। टू बी ऑनेस्ट मुझे टीजर का डिजाइन ही ज्यादा पसंद है। इस शॉट में बैकग्राउंड कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, स्काई चेंज हो रही है जो सूर्योदय को दर्शाती है। टीजर के मुकाबले नया सीन ज्यादा बेटर है क्योंकि लाइटिंग से मैच करता है। इस शॉट में रावण के ऊपर पड़ी हुई बर्फ कम कर दी गई है, बर्फ गिरने की अमाउंट भी घट गई है। उसके अलावा स्काई में डिटेल्स ऐड की गई है, बैकग्राउंड में डिटेल्स ऐड की गई है। ये सब करने के बाद भी टीजर वाला शॉट ज्यादा बेहतर लगता है somehow। इस शॉट में स्काई रिप्लेसमेंट किया है, चमगादड़ की सेना ऐड की है, फॉग ऐड किया है, मेनली रावण का टोर्सो कम दिखाई देता है टीजर के मुकाबले, बट ओवरऑल कोई चेंज दिखाई नहीं देता है। टीजर में बैकग्राउंड सब्जेक्ट और फोरग्राउंड सब फोकस में है, वहीं नए शॉट में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों आउट ऑफ फोकस है। फोरग्राउंड में सूर्यपंखा का साइज बढ़ा दिखाई दिया रहा है। एंड फाइनली सिंगल डेकर वर्सेस डबल डेकर, अगर डबल डेकर नहीं किया होता तो ये सीन बहुत इंप्रूव हो गया है। इस सीन में सीजी एलिमेंट्स जैसे कि झंडे, वानरों के हाथ पैर, स्काई चेंज किए गए हैं। बैकग्राउंड में सूरज की वजह से राघव का सर चेहरा साफ नहीं दिखाई देता है जो कि बहुत रियलिस्टिक है। ये शॉट भी सिमिलर चेंजेस के साथ ज्यादा बेटर दिख रहा है। ये शॉट टीजर में भी अच्छा लग रहा था, ऑब्वियसली कुछ भी चेंज नहीं दिखता। स्काई रिप्लेसमेंट बट मेनली मोशन ब्लर एड करने से ये सीन इम्प्रूव हुआ है, बट एनिमेशन अब भी वेटलेस लग रहा है जैसे कि हाथों से किया गया। काश वो लोग मोशन कैप्चर यूज कर। इस सीन में स्काई रिप्लेसमेंट, बैकग्राउंड में लंका के टावर्स ऐड किए गए हैं और मोशन ब्लर भी ऐड किया गया है। ये सीन भी इम्प्रूव हुआ है बट बचकाना लगता है क्योंकि एनिमेशन बकवास है। ये सीन पूरा ही चेंज कर दिया है, नया सीन बहुत ज्यादा बेहतर लगता है, चाहे वो कैरेक्टर का मूवमेंट हो या एनिमेशन। मेनली मोशन ब्लर और कैमरा शेक से ये और रियलिस्टिक लगता है बट फोटो रियलिस्टिक अभी भी नहीं लगता। इस सीन में कोई चेंज नहीं किया गया है। इस शॉट में पार्टिकल इफेक्ट्स डाल दिए हैं भर भर के, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इट्स सेम। इस ड्रीम सीक्वेंस में कलर का यूज करके गोल्डन आवर मतलब सनराइज सनसेट के समय दिखाया गया है। ऑलरेडी अच्छे शॉट्स थे और इम्प्रूव कर दिए गए, इस शॉट में भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे पानी ज्यादा फोटो रियलिस्टिक लग रहा है, गोल्डन आवर टू बरसाती आवर में ट्रांजिशन हो रहा है, मोशन ब्लर और कैमरा शेक इफेक्ट्स ऐड किए गए। और अभी तक आपने यदि नोटिस नहीं किया है तो पब्लिक की डिमांड से बजरंग की जो पूरी फिल्म में व्हाइट धोती थी उसे ऑरेंज धोती में कन्वर्ट कर दिया गया है। पूरा नया सीन किया गया है, लाइटिंग, ग्रीनरी, कलर ग्रेडिंग सब कुछ चेंज किया है, लेकिन सीजी की किष्किंधा सेम ही है। यहाँ पे टेक्सचर डिजाइन चेंज किया गया है, एनिमेशन इम्प्रूव हुआ है बट स्टिल लुक्स फेक एज। बाली का कैरेक्टर मॉडल भी बदला गया है, मूवी में बाली और सुग्रीव दोनों ही डिफरेंट दिखते हैं। सिमिलरली इस सीन में भी पूरा कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया गया है, लाइटिंग चेंज, स्काई रिप्लेसमेंट, चमगादड़ों का डायरेक्शन, एनिमेशन और क्वांटिटी, और लंका पे गोल्डन चमगादड़ थोप दिया गया है। ऐसा लगता है टीजर में कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया था और मूवी में पूरा सीन फिर से कंपोज करके बनाया गया है। यदि आप ये सीन कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि बजरंग का मुंह फूला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और राघव का इंटेंशन भी कुछ अलग लग रहा था, लेकिन मूवी में पूरा सीन ही रीशॉट करके लिया गया है। बैकग्राउंड में लंका भी कम्प्लीटली डिफरेंट लग रही है। अगेन वाली वर्सेज सुग्रीव की फाइट का सीन है जिसमें बैकग्राउंड पूरा चेंज कर दिया है और पूरा एनिमेशन फिर से किया गया है। टीजर में मोशन ब्लर सिर्फ बैकग्राउंड में था, कैरेक्टर पे नहीं था, जो कि फिक्स कर दिया गया है।
हावेवर मूवी में भी ये सीन फालतू ही लगता है क्योंकि एनिमेशन बकवास है, हाथों से किया गया है। इस शॉट में भी ढेर सारा पार्टिकल इफेक्ट्स भर दिया गया है। टीजर में अगर आप देखें तो राघव के पीछे ऑरेंज कलर है मतलब धर्म, और सामने ब्लू कलर है जो रावण का कलर है। सीन सिंपल है बट अच्छा दिख रहा था, जो कि मूवी में बैकग्राउंड पूरा ही बदल दिया गया है। इस सीन में इलेक्ट्रिसिटी ऐड की गई है, रावण के 10 सिर दिखते हैं और पार्टिकल इफेक्ट्स ऐड किए हैं। ये सीन बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। बैकग्राउंड ब्लर, फ्रंट में चिंगारियां, स्काई रिप्लेसमेंट, कैरेक्टर एनिमेशन, चाहे वो नल नील का हो या अंगद सुग्रीव का, फॉग ऐड किया गया है, मोशन ब्लर ऐड किया गया है, बजरंग जी की धोती का कलर व्हाइट से ऑरेंज किया गया है, और सबसे बड़ा चेंज ये कि बजरंग जी की हद से ज्यादा फूले हुए हाथ नॉर्मल कर दिए गए हैं। और जो रिम लाइट होती है बैकग्राउंड में वो पहले मैच नहीं कर रही थी, अब एग्जैक्ट मैच कर रही है सूरज की दिशा से। तो 8 महीनों में मूवी में ये सब चेंजेस आए, कई सारे रीशूट्स और ढेर सारा एनिमेशन। याद रखिए ये सिर्फ 80 सेकंड की फुटेज थी और मूवी पूरे 180 मिनट की है। आपको क्या लगता है, मेकर्स ने आपकी बात सुनी, जो आपने बोला था वो चेंजेस किए, एंड मेनली क्या आपने मूवी देखी?